मलेशिया के बुलेट ट्रेन में हूँ। इंडिया से ही हम लोगों ने बुक करा लिया था, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप बुक कराते हो तो कुछ कम लगते हैं, अगर आप इंस्टेंट अगर आप सेम डे में कराते हो या फिर यहाँ पे आके आप कराते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जब ऑनलाइन ऑप्शन है आपके पास और आपके पास डेट फिक्स है तो आप क्यों ना आप ऑनलाइन ही बुक करा सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। मॉस्को से लेके सेंट पीटर्सबर्ग तक हमने जो टिकट कराया था करीब 3200 से 3500 के बीच था एक तरफ का, करीब 650 से 700 किलोमीटर का जर्नी है मॉस्को से लेके सेंट पीटर्सबर्ग का। ये बुलेट ट्रेन है, ये स्पीड ट्रेन है जो करीब 4 से 4.5 घंटे हमें लगती है मॉस्को से लेके सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुँचने के लिए। अगर आपका बजट कम है तो अब वो नाइट ट्रिप जो स्लीपर ट्रेन होती है करीब 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है, स्लीपर ट्रेन रहता है और वो मिड नाइट में ही चलता है, मतलब आप रात को चढ़ोगे 12 बजे करीब 1 बजे करीब तो आप सुबह तक आप आराम से आप सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंच जाओगे। या फिर आपको अगर स्पीड ट्रेन में जाना है जो करीब 4 से 4.5 घंटे लगते हैं पहुंचने के लिए, तो वो सुबह से चालू होता है और शाम तक रहता है, तो उसमें आप आराम से बुक कर सकते हो। सीन कुछ ऐसा हुआ था, करीब हम लोग 5 बजे उठे, नींद खुली तो देखा 5:30 बज रहे करीब, नींद खुली फटाफट फ्रेश हुए, चेकआउट किया, इंडेक्स से टैक्सी बुलाया और रेलवे स्टेशन तक आने में हमें करीब 20 से 25 मिनट लग गया। और हमारे पास जो PDF में जो टिकट था मोबाइल में हम वो दिखाए और एंटर हुआ, और 2 बार जैसे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक होता है उस तरीके से हमारा बैग जो होता है वो उसके स्कैन मशीन के अंदर जाती है और 2 बार चेक होता है। तो कैसे भी करके हम कोच तक पहुंच गए। टिकट में रशियन लैंग्वेज में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है, तो आप उसमें ट्रेन नंबर और कोच देख लेना, अगर आपको कुछ परेशानी होता है तो आप यहाँ जो टिकी रहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो आप उनसे एक बार पूछ ले सकते हैं, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी इस वक्त मैं हूँ गैली में, एक ट्रेन के अंदर एक गैली है, एक छोटा सा गैली है, ये यहाँ के स्टाफ है और यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोडक्ट मिलता है, कॉफ़ी ब्रेकफास्ट वगैरह, अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके रीजनेबल प्राइस में ब्रेकफास्ट आप ले सकते हो इजी तरीके से। हम पहुंच गए करीब 7 बजे करीब निकला था, अप्रोक्सीमेटली 6:50 और ये अभी 10:50, पूरा 4 घंटे लग गए हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए। हम जो अभी जिस ट्रेन से आए हैं ये है सैमसन एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नाम है और 754 इस ट्रेन का नंबर है। बक्स के रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और अभी इंडेक्स से फिर से वही एप्लीकेशन है इंडेक्स जो हमारे वहाँ उबर या फिर ओला चलती है, उसी की तरह से यहाँ के इंडेक्स ऐप है जो रशिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और उसी के थ्रू अभी टैक्सी बुक की है, अभी टैक्सी आ रहे हैं, हम सब बैठे हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप कुछ बताओगे? एक्सपीरियंस तो सही है, सही है, जो भी है बढ़िया है, आराम से आगे दिक्कत नहीं।
लगा, स्पीड है बढ़िया, जल्दी पहुंचा दिया, टाइम पंक्चुअल है बिल्कुल, बाकी सब पूरा एकदम मिनट के मिनट के हिसाब से ना, 6:50 को छोड़ा था और 10:50 को यहाँ पे पहुँचा दिया, मतलब 4 घंटा पूरा लग गया हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए। कितना? 4 घंटे, 750 किलोमीटर के लगभग कुछ आसपास है मॉस्को से लेके यहाँ तक। आपको कैसा लगा? बढ़िया एकदम, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी, गर्म पानी मिल रहा था ट्रेन में, और क्या चाहिए, कंफर्टेबल था कि नहीं ट्रेन में? कंफर्टेबल था, ठंड भी नहीं लग रही थी, और क्या बोलते ट्रेन जैसे हमारे इंडियन ट्रेन में होता है बेसिकली, कोई मूंगफली छील के कचरा नहीं फेंक रहा था, पूरा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीनिंग था। कचरा कलेक्ट करने के लिए अटेंडेंट आ रहे थे, जैसे फ्लाइट में अक्सर होता रहता है, राइट? हाँ बिल्कुल वही सिस्टम था, चीजें बेचने के लिए उसी हिसाब से आ रहे थे। और आप ट्रेन देख रहे थे, मतलब ना इधर उधर हिल डुल रहा था, एकदम स्मूथ लेवल से चल रहा था, बिना स्पीड ब्रेकर के, है ना? कोई खाना खा के चढ़ोगे तो खाना हजम नहीं होगा इस ट्रेन में, ऐसा है। पूरा ट्रेन पूरा पैक था ऐसा लग रहा है ना? हाँ ट्रेन पूरा पैक था, गरम पूरा फुल, बहुत जल्दी पहुंचा दिया हम लोग ने, बट हमें लग रहा था कि थोड़ा सा हमें क्या बोलते हैं और थोड़ा सा बैठना चाहिए था, क्या क्यों जल्दी पहुंचा दिया? बस इस तरह से बैठा हुआ हूँ, पीछे तो पूरा सामान पूरा पैक हो चुका है, दो या तीन ट्रॉली आ चुका है, एक बैग भी आ चुका है, और एक ट्रॉली मेरे पास है, एक मेरा बैग भी है, और एक पीछे छोटा सा बैग है मेरा, वो है। शरीक भाई आपका पास क्या है? मेरे पास भी कुछ सामान है, मोमो का कुछ थैली है, और अच्छा आपका बैग पूरा आ गया पीछे? हाँ पूरा आ गया, एक ही बैग था, पूरा आ गया पीछे। मेरे पास एक बैग, एक कैमरा बैग और एक आकाश का बैग है, और प्रीतम भाई के पास सामने एक छोटा बैग है उनका, बस और कुछ नहीं है, है थोड़ा सा लगेज का अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो, अगर आप ज़्यादा लेके आते हो तो फिर आप एडजस्ट करके ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा। चली गई है टैक्सी ड्राइवर, हमें लोकेशन में छोड़ के चले गए, थोड़ा सा आगे चले गए थे अपन जहाँ स्टे करने वाले हैं, थोड़ा सा पीछे है अभी, सेंट पीटर्सबर्ग्स में करीब 2 से 3 दिन रुकने वाले हैं, फिर उसके बाद वापस हमारी ट्रेन है सेंट पीटर्सबर्ग से लेके मॉस्को तक। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ का जो हमने अपार्टमेंट लिए है, अपार्टमेंट में कैसे रहते हैं और क्या खास बात है इस अपार्टमेंट में रहने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर कुछ सजेशन, अगर कुछ और कुछ गलतियां होगा तो वो भी बता देना कि मैं अगले जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं इम्प्रूव ज़रूर कर सकूं।